प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आप सभी के चैनल सेल्फ स्टडी विथ जेपी सर पे स्वागत करता हूँ। आज का यह वीडियो कक्षा आठवीं के विद्यार्थी के लिए है और आज के इस वीडियो में मैं हिंदी विषय को लेकर आया हूँ। हिंदी विषय में मैं प्रियतम पाठ के सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसके पहले जो आपका पहला यूनिट टेस्ट हुआ है उसके जो चार पाठ आए हैं हिंदी में, दो पाठ आपका गद्य से और दो पाठ आपका पद से, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाया था और उसमें मैं देखा कि काफ़ी अच्छा रिव्यू आया। काफ़ी छात्रों ने मांग किया कि सर आप दूसरे यूनिट टेस्ट के लिए भी वीडियो बनाइए। तो ये दूसरा यूनिट टेस्ट में आने वाला पहला आपका पाठ है प्रियतम, जो आपके पाठ्य पुस्तक के पद वाले भाग में है। तो प्रियतम के सभी प्रश्नों का हल मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट मेरे को दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर देता है। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा जिसका नाम लिखा हुआ है कक्षा आठ हिंदी, वहां से आपको जो चार वीडियो मैं बनाया हूं वो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो को बिना वक्त गंवाए हुए। देखिए आपका जो पहला प्रश्न है कि विष्णु ने नारद को किसे अपना प्रधान भक्त बताया, तो किसे बताया है, सज्जन किसान को। दो नंबर, प्रियतम कविता के रचयिता का उपनाम क्या है, तो निराला है। सज्जन किसान ने दिन भर में कितनी बार ईश्वर का नाम लिया है, तो तीन बार लिया है। और आपको साथ ही साथ एक बात बता दूं, ये इसी माने जो आपका यूनिट टेस्ट हो रहा है हूबहू आपके पुस्तक का ही प्रश्न आपके यूनिट टेस्ट में आ रहे हैं। यदि आप अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न को ही हल कर लेते हैं, उसे याद कर लेते हैं, तो आपका हिंदी में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। आपने पहला यूनिट टेस्ट दिया होगा, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए, नारद का दूसरा नाम क्या है, तो नारद का दूसरा नाम योगीराज है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं फटाफट। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। नारद क्या पूछने विष्णु के पास गए, तो नारद जी विष्णु के पास यह पूछने के लिए गए कि पृथ्वी पर उनका सबसे प्रधान भक्त कौन है। तो नारद जी दूसरा प्रश्न देखिए, नारद जी किसकी परीक्षा लेने उसके पास गए, तो नारद जी विष्णु के प्रधान भक्त एक सज्जन किसान की परीक्षा लेने उसके पास गए। तीसरा प्रश्न, नारद जी भक्त के पास पहुंचकर क्या देखा, तो नारद जी ने भक्त के पास पहुंचकर देखा कि वह किसान दोपहर को हल जोतकर आने पर फिर शाम को दरवाजे पर आकर और सवेरे काम पर जाते समय राम का नाम लिया। इस प्रकार दिन भर में केवल तीन बार राम का नाम लिया। चौथा प्रश्न, नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर क्या बोले, तो नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि वह किसान दिन भर में केवल तीन बार राम का नाम लेता है। नारद ने लज्जित होकर क्या कहा, तो नारद जी लज्जित होकर कहा कि यह सत्य है। ये पांच प्रश्न ही आपके पाठ्य पुस्तक में है, इसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रश्न है आपको नहीं करना है। चलिए बोधमूलक में आ जाते हैं, नारद जी क्यों परेशान थे, उनकी परेशानी का समाधान किस प्रकार हुआ। तो नारद जी इस बात को लेकर परेशान थे कि किसान दिन भर में केवल तीन बार राम का नाम लिया है, फिर भी वह विष्णु भगवान का सबसे प्रधान भक्त क्यों है। भगवान विष्णु ने उनकी परेशानी का समाधान करने के लिए उन्हें एक तेल से भरा पात्र देकर पृथ्वी की परिक्रमा कर लाने के आने के लिए कहा। नारद जी परिक्रमा करके सानंद सफल होकर लौट आए। विष्णु के पूछने पर उन्होंने बताया कि इस परिक्रमा के समय उन्होंने एक बार भी ईश्वर का नाम नहीं लिया है, क्योंकि वे उनके द्वारा
दिए गए काम में पूरा ध्यान लगाए रहे। विष्णु जी ने समाधान करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह किसान भी मेरे द्वारा दिए गए काम तथा जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भी दिन भर में 3 बार राम का नाम लेता है, इसी कारण वह प्रधान भक्त है। इस प्रकार नारद जी की परेशानी का समाधान हो गया। चलिए आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए 2 नंबर प्रश्न को। निराला जी ने कर्म और भक्ति का सामंजस्य किस प्रकार दर्शाया है, स्पष्ट करें। तो निराला जी ने स्पष्ट किया है कि जीवन में कर्म की पूजा और भक्ति है। अपने कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को निभाने वाला व्यक्ति ही सच्ची भक्ति का भी निर्वाह करता है। कर्म की उपेक्षा कर भक्ति करने वाला कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। मनुष्य को संसार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और ईश्वर का नाम भी लेना चाहिए। कविता में निराला जी ने किसान के उदाहरण से इस सत्य को स्पष्ट किया है कि किसान दिन भर अपना काम कर भी करता है, फिर भी समय निकाल कर 3 बार राम का नाम भी ले लेता है। इसी कारण वह विष्णु काम सबसे प्रधान भक्त है। अतः कर्म की उपेक्षा कर भक्ति का महत्व नहीं हो सकता, क्योंकि वह संसार कर्म भूमि है। सभी को अपना कर्म करना ही पड़ता है। अतः जो कर्म की उपेक्षा कर भक्ति का ढोंग रचता है, वह भगवान को प्रिय नहीं, इसलिए वह सच्चा भक्त भी नहीं है। अतः कर्म करते हुए भक्ति करना सर्वथा उचित और सही मार्ग है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। नारद लज्जित हुए कहा यह सत्य है। उपरोक्त पंक्तियों का आशय सप्रसंग स्पष्ट कीजिए। देखिए, भगवान विष्णु द्वारा सौंपे हुए कार्य को संपन्न कर नारद जी प्रसन्न होकर विष्णु के पास गए। विष्णु ने नारद से पूछा कि पृथ्वी की परिक्रमा करते समय उन्होंने कितने बार अपने इष्ट देव का नाम लिया है। नारद जी ने कहा कि वह तो उन्हीं के द्वारा दिए हुए काम में ध्यान मग्न रहे, इसलिए 1 बार भी नाम नहीं लिया। विष्णु ने कहा कि वह किसान भी मेरे द्वारा ही दिए गए काम करता है, फिर भी दिन भर में 3 बार राम का नाम लेता है। यह सुनकर नारद जी लज्जित हो गए। उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया, यह मान लिया कि सचमुच वह किसान भगवान को सबसे प्रिय है, यह सर्वथा उचित है। चलिए आपका भाषा बोध देख लेते हैं। एकदम प्रत्यक्ष प्रश्न आपके दूसरे यूनिट टेस्ट में भी मिलेंगे। भाषा बोध के भी यही प्रश्न आपके यूनिट टेस्ट में मिलेंगे। मैं आज ही बता देता हूँ, आपका दूसरा यूनिट टेस्ट होगा लगभग अगस्त में हो सकता है दूसरा यूनिट टेस्ट। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। मृत लोक का मृत्यु का लोक, यह तत्पुरुष समास है। सज्जन का सत है जो जन, कर्मधारय समास है। दोपहर का दूसरा पहर दीघु समास है। नाम स्मरण का नाम का स्मरण, तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो उल्लास का उल प्लस लास, यह व्यंजन संधि है। प्रातः काल का प्रातः प्लस काल विसर्ग संधि है। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 परिवाची शब्द लिखिए। परिवाची शब्द आपको जरूर से जरूर याद करना है। विष्णु का हरि नारायण श्रीपति, परीक्षा का इम्तहान समीक्षा निरीक्षण, प्रातः काल का प्रभात भोर सवेरा, इष्ट का इच्छित अभिष्ट वांछनीय, विश्व का संसार दुनिया जगत। तो बस यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का हल समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो अगर देखा है तो लाइक ज़रूर करिए, नहीं तो आप भूल जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।